दुनिया भर में COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस का खौफ हावी है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी बीमारी ने दुनिया भर में इतना अधिक दहशत फैलाई हो। हैजा, प्लोग, चिकन पॉक्स, इंफ्लुएंजा मानव इतिहास के सबसे बड़े वायरस में शामिल रहे हैं। इन बीमारियों ने 30 से 50 करोड़ लोगों की जान ली है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी वैश्विक महामारियों के बारे में जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी छीन ली। स्पेनिश इन्फ्लुएंजा। किसी भी महामारी में इतनी जान नहीं गई थी जितनी कि 1918-1919 में हुई स्पेनिश इन्फ्लुएंजा में गई थी। दुनिया भर में लगभग 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। वायरस से होने वाली इस महामारी के कई शहरों के नाम निशान मिट गए। पूरी दुनिया में कई तिहाई यानी कि 50 करोड़ आबादी इस महामारी की चपेट में आ गई थी। इस महामारी से 50 वर्ष से कम तक के व्यवसायों की मृत्यु दर सबसे ज्यादा थी। वर्ष 1918 की सर्द ऋतु में स्पेन में हुए इस विनाशकारी फ्लू के कारण इसे स्पेनिंग इन्फ्लुएंजा नाम दिया गया। अकेले भारत में ही करीब 1 से 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। द ब्लैक डेथ। 1346 से 1353 की अवधि के अंदर यूरोप में प्लेग की महामारी फैली। प्लेग महामारी के कारण अफ्रीका और एशिया में करोड़ों लोग मारे गए। अनुमान है कि इस महामारी में 7.5 करोड़ से 20 करोड़ लोग मारे गए। इसकी शुरुआत एशिया से हुई ऐसा माना जाता है। प्लेग चूहों से फैलता है और फिर कीड़ों के जरिए मनुष्य इससे संक्रमित होते हैं। यही समुद्री जहाजों के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचा। इसका मुख्य वाहक जलपोत बने जहां चूहों का पनपना आम बात है। फ्लू। 1918 से 1920 की अवधि में इस जानलेवा इन्फ्लुएंजा ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया। दुनिया की आबादी एक तिहाई हिस्सा इसका शिकार बनी और करीब 20 से 50 करोड़ लोगों की जान गई। इस महामारी से 50 करोड़ लोग प्रभावित हुए और मरने वालों का आंकड़ा 10 से 20 फीसदी के बीच रहा। इस महामारी से पहले सप्ताह में ही 2.5 करोड़ लोग मारे गए। इस इन्फ्लुएंजा की खास बात यही थी कि यह अधिकतर स्वस्थ युवाओं की जान लेता था और जो बच जाते थे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता था। सामान्यतः इन्फ्लुएंजा से उम्रदराज लोगों अधिक प्रभावित होते थे। जस्टेनियन प्लाग या बुबोनिक प्लाग नामक बीमारी ने यूरोप की आधी आबादी को समाप्त कर दिया था। इस बीमारी से सबसे अधिक ब्रिटेनियन साम्राज्य और मेडिटेरियन पोर्ट पर पड़ा। केवल 1 साल के अंदर ही इस बीमारी के कारण 2.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई। हालांकि यह पता नहीं चल सका कि इस बीमारी की शुरुआत कहां से हुई, लेकिन इस बीमारी के कारण पूरी दुनिया प्रभावित हुई। शहर की 40% आबादी को समाप्त कर दिया था। बुबोनिक प्लाग ने मृत्यु की औसतन दर 50,000 लोग प्रतिदिन मरते थे। एंटोनाइन प्लेग ने उस समय के एशियन मिस्र यूनियन ग्रीस और इटली को सबसे अधिक प्रभावित किया। इस बीमारी को ग्लेने के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग का मानना है कि इसका सबसे बड़ा कारण चेचक या मॉस्पॉक्स है। एशियन फ्लू एक ग्रेड इन्फ्लुएंजा है जो H2N2 से फैलता है। इसकी शुरुआत सन 1956 से हुई और यह महामारी साल 1958 तक रही। यह महामारी सिंगापुर, हांगकांग और अमेरिका तक फैली। विश्व संगठन के अनुसार इस बीमारी की वजह से 20 लाख लोगों की मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी कुछ वैश्विक महामारी जिनके कारण करोड़ों लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते ही रहते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।